नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप लोग YouTube की मदद से किस तरीके से आप इंग्लिश सीख सकते हो। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू लर्न इंग्लिश विथ YouTube। ओके, तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगा। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आप अपने देखिए, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप लोग अपना डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप पर ही आप लोग सीखिएगा। ठीक है, तो और काफ़ी अच्छी अंग्रेज़ी जो है वो आप YouTube से सीख सकते हैं। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है आपको क्रोम वेब स्टोर। जैसे आप लोग क्रोम वेब स्टोर जैसे आप लोग ओपन करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है सिंपल। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है गूगल या फिर ट्रांसलेट लिखना है आप लोग को। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये जो गूगल का ट्रांसलेट जो आप लोग को दिख रहा है इसको आपको ऐड टू क्रोम करना है। ठीक है, ये आपसे परमिशन मांगेगा, आपको इसको परमिशन ऐड एक्सटेंशन कर देना है। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग का जो गूगल ट्रांसलेट का जो है एक्सटेंशन वो इस कॉर्नर पर आ चुका है। तो अब आप लोग को करना क्या है कि आप लोग को यूट्यूब खोलना है और YouTube पर आपको क्या करना है कि सबसे अच्छा जो रिसोर्स होता है, अगर आप बिगनर्स हैं और अगर चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश कुछ दिनों के बाद अच्छी हो जाए, तो सबसे जो अच्छी चैनल है जो मुझे लगा वो है माई पिंगू टीवी। ठीक है, इस पे आपको बहुत सारे मोरल स्टोरी मिल जाते हैं, आपको इसमें से किसी एक स्टोरी पर क्लिक करना है और आप इसको अब पढ़ोगे कैसे, तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, जो थ्री डॉट आपको जो दिख रहा है, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है, ओपन ट्रांसक्रिप्ट पे जाना है और जैसे जैसे ये वीडियो प्ले होगा वैसे वैसे इस ये जो माई पिंगो टीवी का जो भी एनिमेशन होता है उसमें सबटाइटल यहाँ पे भी दिया होता है और ये ट्रांसक्रिप्ट भी आप लोग यहाँ से देख सकते हो। अब इसको आप लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ से आप इसको टॉगल टाइम स्टैम्प पे कर दोगे तो ये जो टाइम है वो आपका हट जाता है और इसके बाद में ये जो पूरा स्टोरी जो इनका पूरा का पूरा कन्वर्सेशन हो रहा है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसको आप लोग अपने PDF में भी सेव कर सकते हो और कहीं पर भी जो भी जी अगर आप लोग को बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो। अब मान के चलो कि मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, जैसे कि मुझे इस डिमांड का मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि डिमांड का मतलब क्या होता है, तो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे आपका गूगल ट्रांसलेट का एक आइकन आ गया, तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस तरीके से लिख रहा है लेकिन ये ना करके आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपको गूगल ट्रांसलेट पर जाना है। जैसे गूगल ट्रांसलेट पर आप लोग क्लिक करोगे ये आपका एक न्यू विंडो जो है वो खुल जाएगा। ये लोड नहीं, देखिए अभी जो है वो लोड ले लिया। अब आपको करना क्या है कि ये ऑटो डिटेक्ट इंग्लिश है, बस आपको यहाँ से हिंदी पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि इसका मतलब डिमांड का मतलब कि मांग होता है। ठीक है, और अगर कोई भी आपको यहाँ पे वर्ड अगर समझ में नहीं आ रही है, जैसे कि मान के चलिए कि डिलीशियस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ से फिर आप राइट क्लिक करके यहाँ से गूगल ट्रांसलेट पर जा करके आप लोग उसको देख सकते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। तो इस तरीके से आप लोग इंग्लिश भी आराम से सीख सकते हो। ये पहला फेज है, अगर आपका इंग्लिश ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आप इस तरीके से आप इंग्लिश सीख सकते हो। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर ये आप पूरा टेक्स्ट अगर आप लोग कॉपी करना चाहते हो तो आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो और फिर आप इसको कहीं पर भी कॉपी करके अपने नोटपैड में आप इसको कॉपी करके बाद में इस स्टोरी को रीड भी कर सकते हो या फिर देख देख कर लिख सकते हो, जिससे आपका डे बाय डे जो है वो इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगा। उसका साथ साथ में अगर आप लोग को ये ऐसा लगता है कि डिलीशियस का मुझे मीनिंग अपने पास रखना है तो ये जो आपका स्टार ट्रांसलेशन है आप इस पर क्लिक कर सकते हो और उसके बाद में जब कभी भी आप लोग देखोगे तो ये आपका इसमें
हो जाता है। और यहाँ के बाद में आप, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है हिस्ट्री है, सेव्ड है, तो सेव्ड पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाएगा, जिससे आप लोग आराम से रिवीजन भी कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।